हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मलाई से घी निकलते हैं। इसलिए मैंने एक ग्लास मलाई ले लिया है। मैंने ये एक हफ्ते से फ्रिज में जमा करके रखा है। पहले इसको एक मिक्सी के जार में निकाल दूंगी। अगर आपको गाढ़ी मलाई चाहिए तो आप दूध गर्म करने के बाद जब रूम टेम्परेचर में आ जाए तो उसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर मलाई निकालें तो देखना कि बहुत ही गाढ़ी मलाई निकलेगी। अब हम इसको ढक के मिक्सी में 10 सेकंड के लिए चलाएंगे। 10 सेकंड के बाद देखिए ये ऐसा हो गया है। इसको 3 से 4 बार 10-10 सेकंड के लिए मिक्सी में चला लीजिए। मैं वापस चला लेती हूँ। मैंने 4 बार 10 सेकंड के लिए घुमा लिया है। देखिए सारा मक्खन निकल आया है। मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। अब ये जो मलाई है, पूरा जो मक्खन बन गया है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं है इसमें। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी और फ्लेम मीडियम रखूंगी। देखिए धीरे धीरे गलने लगा है। एक चम्मच से आप हिलाते जाना, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। अभी 10 से 12 मिनट हो गया है। मीडियम फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ और बीच बीच में हिला रही हूँ ताकि नीचे से ना लगे। और देखिए घी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये जब तक ब्राउन ना हो तब तक हमें इसको पकाना है। 15 मिनट के ऊपर हो गया है। अभी 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। देखिए अभी ये हल्का ही ब्राउन हुआ है, और थोड़ा ब्राउन हो जाए तो हम इसको ऑफ कर देंगे। इस टाइम पे आप गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई मीडियम पे रखिए। ये हो गया है, मैं भी गैस को ऑफ कर दूंगी। मैंने यहाँ पे एक घी स्टोर करने के लिए एक बर्तन ले लिया है और चाय की जो स्ट्रेनर है वो ले लिया है। अब मैं इसको छान लूंगी। इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस करके सारा जो घी है वो निकाल लीजिए। ये जो निकला है इसको भी खाने में बहुत ये अच्छा लगता है। इसको आप ममरे के साथ या फिर लड्डू बना के खा सकते हैं। इसका मैं दूसरा रेसिपी बनाऊंगी। और ये देखिए हमारा घी कितना अच्छा है, कलर कितना अच्छा आया है। ये मैंने गाय के दूध की मलाई से घी बनाया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।